हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मितेश खत्री। मैं एक लीडरशिप ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और नेशनल बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ। अभी रात को 11 बजे घर पहुँचा हूँ और आज का प्रॉमिस है वीडियो का, फ्राइडे का, तो 12 बजे के पहले किसी भी हालत में वीडियो डेफिनेटली पोस्ट कर दूंगा। आज का वीडियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे है, हिंदी में है। पहले दो वीडियोज़ में हम लोग क्या कवर कर चुके हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक साइंस है जिसके मुताबिक दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से बनी है, और जब दो चीज़ों की एनर्जी एक ही लेवल पे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं तो वो एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। तो जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमको इस्तेमाल करना है तो उसका एक फॉर्मूला हमने आपको बताया था दूसरे वीडियो में। क्या फॉर्मूला था वो, अगर आपको याद नहीं है एक बार दूसरा वीडियो ठीक से वापस देख लेना, लेकिन फिर भी शॉर्ट में वो फॉर्मूला जल्दी से बताता हूं। FTBA एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, इसका मतलब क्या, फील, थिंक, बिलीव यानी मानना है, और एक्ट यानी काम ऐसा करना है कि जैसे वो चीज जिंदगी में आपके ऑलरेडी आ गई है। FTBA एज इफ यू ऑलरेडी हैव इट, राइट। और मैंने आपसे वादा किया था दूसरे वीडियो में कि मैं एक ऐसी टेक्निक आपको बताऊंगा जिसका इस्तेमाल करके मैंने खुद अपनी लाइफ पार्टनर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया था। तो ये क्या टेक्निक है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक है। पूरी दुनिया में जितने लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर्स हैं मेरी तरह, ये सब इस टेक्निक को खुद यूज करते हैं, लोगों को सिखाते हैं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे पावरफुल टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। ओके, क्या है ये, इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। क्या कहते हैं, विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, विजुअलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आपको दिमाग में ये इमेजिन करना है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ गई है। अब इसके चार स्टेप्स होते हैं, लिख लो जल्दी से, और अगर पेन और पेपर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में इस वीडियो को वापस पॉज करके आराम से वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है। स्टेप नंबर वन इज क्लैरिटी। क्लैरिटी यानी क्या, सबसे पहले आप क्लियर हो जाओ कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो आपको शादी करनी है और आपकी शादी नहीं हो रही है, आप किसी लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो क्या करो, सबसे पहले लिखो कि आपको जिंदगी में किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए। जब भी मैं लोगों से पूछता हूं आपको किस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए, तो लोग मुझे वो सारी चीजें बताने शुरू कर देते हैं कि उनको अपने लाइफ पार्टनर में क्या नहीं चाहिए। वो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, वो ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए, या उस लड़की में कोई बुरी आदतें नहीं चाहिए, उनको ऐसी चाहिए जो घर से बाहर जाके काम ना करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें बताते हैं जो उनको अपने लाइफ पार्टनर में नहीं चाहिए। आपको ये नहीं लिखना है कि लाइफ में क्या नहीं चाहिए, आपको ये लिखना है कि लाइफ में क्या चाहिए, यानी आपको अपने लाइफ पार्टनर से क्या चाहिए, आपको किस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए अपने लाइफ में, ये लिखिए। एक बार आपको उस चीज़ की क्लैरिटी आ गई, अब आपके दिमाग में उसकी एक इमेज बन गई कि मुझे ये टाइप का इंसान चाहिए। अब स्टेप दो, एक जगह आराम से बैठो, आंखें बंद करो और अपनी बॉडी को पहले रिलैक्स करो। तो स्टेप टू को कहते हैं रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी। तो फिर से कहता हूं, स्टेप वन क्लैरिटी, यानी ये लिखो कि सच में आपको क्लियरली क्या चाहिए, सोच लो, उसको वेगली मत सोचो, उसको अंदाजन मत सोचो, उसको क्लियरली लिख लो आपको क्या चाहिए, राइट। स्टेप टू रिलैक्स, रिलैक्स योर माइंड, रिलैक्स योर बॉडी, आंखें बंद कर लो। जितना आप कम मूव करोगे, जितना ब्रीदिंग नॉर्मल करोगे, आपका दिमाग, आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा। स्टेप थ्री क्या है, अब आप ये इमेजिन करो कि जो आप चाहते हो वो हो गया है, और उसके होने की आप एक छोटी सी सेलिब्रेशन पार्टी में हो, और सब आपको हाई फाइव दे रहे हैं, सब आपके गले लग रहे हैं और कह रहे हैं वाओ, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हारा ये काम हो गया। उसके बाद मैं अपने लाइफ में जब इमेजिन करता हूं तो मैं ये भी देखता हूं कि मैं अपने घर के एक छोटे से मंदिर में हाथ जोड़ के भगवान को कह रहा हूं, थैंक यू भगवान, थैंक यू सो मच, ये गोल मेरा पूरा ऑलरेडी हो गया। आपके केस में जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप शादी करना चाहते हो, तो आप ये कर सकते हो कि आप हाथ जोड़ के भगवान के साथ में, अपने जोड़ीदार के साथ, अपने पार्टनर के साथ हाथ जोड़ के कह रहे हो, थैंक यू भगवान इतनी अच्छी शादी के लिए, थैंक यू इतने अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए। तो इसको इमेजिन करो कि जैसे ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी हो गया है। और चौथा स्टेप बहुत ज़रूरी स्टेप है, आँखें खोलो, थैंक यू बोलो जल्दी से अपने आप को, कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो अपने आप को, और उसके बाद इस बात को भूल जाओ, ये बहुत ज़रूरी है। स्टेप फोर इज़ ग्रैटिट्यूड एंड लेट गो, ग्रैटिट्यूड एंड लेट गो, मतलब थैंक यू बोलो और इस बात को भूल जाओ। क्यों, अगर आप इस बात को पकड़ के बैठे रहे कि कब होगा, कब होगा, कब होगा, कब होगा, तो आप इस बात से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। अटैच्ड होने से क्या होगा, क्या टाइप के इमोशंस आएंगे, चिंता, वरी, एंग्जाइटी होगी, जल्दबाजी महसूस होगी, टेंशन आएगा, राइट। तो ये सारे इमोशंस कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा आपकी तरफ अट्रैक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्टेप फोर के मुताबिक आप आंखें खोलने के बाद अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो, उसके बाद इस बात को भूल जाओ, राइट। तो याद रखना, फोर स्टेप्स है। स्टेप नंबर वन विजुलाइज, इमेजिन करो आपको क्या चाहिए, नहीं सॉरी, स्टेप नंबर वन क्या है, क्लैरिटी, पहले लिखो क्या चाहिए आपको। स्टेप नंबर टू, अब आप इस चीज को इमेजिन करो कि जैसे ये ऑलरेडी हो गया है, नहीं
ये भी नहीं है. स्टेप टू, आई एम सॉरी, आई एम कंफ्यूज. रात के 11 बजे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया. स्टेप वन क्या है? स्टेप वन क्लैरिटी. लिखो कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए. स्टेप टू, रिलैक्स योर माइंड एंड बॉडी. स्टेप थ्री, अब उसको विजुअलाइज करो जैसे वो काम ऑलरेडी हो गया है. पूरे दिल से विजुअलाइज करो, महसूस करो, फील करो, उस मोमेंट को विजुअलाइज करो जैसे वो काम हो गया है. स्टेप फोर, ग्रैटिट्यूड एंड लेट गो. उसका मतलब क्या हुआ? आप थैंक यू बोलो, खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो. अब उस बात के बारे में चिंता करना छोड़ दो. आप ऐसे जियो जैसे ये काम आपका हो चुका है. अब बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है कमेंट्स में कि शादी के लिए मैं ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ, एक्स पार्टनर को लाइफ में लाने के लिए कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ. देखो, जहाँ तक एक्स पार्टनर को या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड को लाइफ में लाने की बात है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कभी भी प्रोसेस की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता. यानी कि इस इंसान से प्यार मिले, उस इंसान से प्यार मिले, यहाँ से पैसा मिले, वहाँ से पैसा मिले, कभी भी प्रोसेस पे ध्यान नहीं देना चाहिए. हमेशा फोकस ऑन एंड रिजल्ट. यानी आप ये सोचो कि आपको एंड में क्या चाहिए. अब आपको इंसान नहीं चाहिए, आपको इंसान से नहीं शादी करनी है. आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा रिलेशनशिप चाहिए जहाँ पे आपके लिए प्यार हो. मान लो आपको एक्स पार्टनर वापस मिल गया, लेकिन उसके मिलने के बाद में आपकी शादी तो हो गई, लेकिन आपकी शादी में खुशी नहीं है. क्या वो चाहिए आपको? नहीं. तो आपको क्या चाहिए? आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए जिसके साथ में आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप हो, एक दूसरे के बीच में रिस्पेक्ट हो, प्यार हो, अपनापन हो. ये चाहिए ना आपको? तो ये आपको अट्रैक्ट करना है, राइट? तो आप ये इमेजिन करो कि आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल चुका है, आपकी अच्छी से शादी हो चुकी है, आपके बीच में बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत अफेक्शन है, और ये रिलेशनशिप आपको अट्रैक्ट करना है. जितना आप इस बारे में सोचोगे, जितना आप इस बारे में मानोगे ये हो गया है, उतना वो टाइप का रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएगा. अब हो सकता है कि वो एक्स पार्टनर हो सकता है वो एक्स पार्टनर ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अंत में आपको क्या चाहिए? एक अच्छा रिलेशनशिप और प्यार. वो आप इमेजिन करो, वो आपको मिल जाएगा, वो अट्रैक्शन डेफिनेटली हो जाएगी. अब एक बोनस पॉइंट देता हूं शादी से रिलेटेड. बोनस पॉइंट, जब आप क्लैरिटी लिखोगे कि आपको क्या टाइप का इंसान चाहिए. मान लो आप एक लड़के हो, तो आप लिख रहे हो आपको क्या टाइप की लड़की चाहिए, या आप एक लड़की हो और आप ये लिख रहे हो आपके क्या टाइप का आपको लड़का चाहिए. उसके बाद में स्टेप टू, एक और स्टेप आगे लिखिए कि इस टाइप के इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे किस टाइप का इंसान बनना है. मान लीजिए आपने लिखा है कि मुझे एक हेल्दी लड़का चाहिए, जो फिट है, जो हेल्दी है, जो मेंटली स्ट्रांग है, एथलेटिक है, जो सिगरेट नहीं पीता, दारू नहीं पीता, अपने हेल्थ का ध्यान रखता है, जो अच्छा इंसान है, लोगों से रिस्पेक्ट से बात करता है, जो अपने माँ बाप के साथ रहता है, उसकी अच्छी कमाई है, वो इंडिपेंडेंट है, राइट? अब ये सब आपने लिख लिया. या अगर आप एक लड़के हो तो आपने कुछ चीज़ें ऐसी लिखी होगी कि वो लड़की सुंदर है, वो लड़की का अच्छा फिगर है, वो अपने आप को मेंटेन करती है, वो हेल्दी है, और सबसे बड़ी बात अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करती है, अपने बड़ों का आदर करती है, और इंडिपेंडेंट है, जॉब करती है, अपना भी ध्यान रखती है, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखती है. ये अपने एक लिस्ट बनानी कि आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए. अब इसके बाद उसी लिस्ट के बिल्कुल सामने, एक ही पेज पे सामने ये लिखिए कि इस टाइप के इंसान को अट्रैक्ट करने के लिए मुझे किस टाइप का इंसान बनना है. सोचिए, अगर आपको इस टाइप का इंसान चाहिए, क्या आप उस टाइप के इंसान को अट्रैक्ट करने के लायक बने हो? और अगर नहीं, तो उस लिस्ट को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर लो. मान लो, देखिए बुरा मत मानना, मान लो अगर आप खुद ओवरवेट हो और आपने इस लिस्ट में लिखा है कि मुझे एक परफेक्ट फिगर वाली लड़की चाहिए, या आप एक लड़की हो और अगर आप खुद ओवरवेट हो और आपने लिखा है कि मुझे एक परफेक्ट वेट वाला लड़का चाहिए जो बिल्कुल मोटा नहीं है, तो थोड़ी ये नाइंसाफी है ना. आप क्लैरिटी में नहीं हो, आपकी फ्रीक्वेंसी सही नहीं चल रही है. आपकी फ्रीक्वेंसी और उस लड़के या लड़की की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो अट्रैक्शन जल्दी नहीं होता. इसलिए बहुत सारे लड़कों के और लड़कियों की लाइफ में लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी खुद की फ्रीक्वेंसी उनके लाइफ पार्टनर के डिजायर की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं होती. तो या तो आप उस लिस्ट को बनाने के बाद उस टाइप के इंसान को क्या टाइप का इंसान चाहिए, आपको किस टाइप का इंसान बनना चाहिए, उसके लिए उसकी लिस्ट बना के उसके जैसे आप बन जाओ. और अगर नहीं, तो अपनी लिस्ट के हिसाब से, यानी जैसे आप हो उस हिसाब से आपको एक लड़का अट्रैक्ट करना चाहिए, उस हिसाब से आपको एक लड़की अट्रैक्ट करनी चाहिए. अपनी लिस्ट को उस हिसाब से बदल लो, अपनी एक्सपेक्टेशन को उस हिसाब से बदल लो. मेक सेंस? यानी मतलब क्या? जैसे आप हो वैसे लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करो, या तो जैसा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए वैसे आप बन जाओ. इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं एक्शन. यानी ऐसा एक्शन लो कि जैसे आपको वो सच में वो गोल चाहिए, या वो गोल आपकी लाइफ में आ गया है. अगर आपको सच में एक हेल्दी इंसान चाहिए, एथलेटिक इंसान चाहिए, तो आपको भी एथलेटिक होना चाहिए ना, तभी तो आप दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी, सही ना? राइट. तो अच्छा, मुझे इस वीडियो के बाद में कमेंट्स में एक और चीज़ लिखना. आपको ऑफकोर्स वीडियो पसंद आया नहीं आया, आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ और सवाल है, मैं कोशिश करूंगा अगले हफ्ते इस बारे में और आपको जवाब देने के बारे में. लेकिन एक और मेरा आपसे सवाल है, उस बारे में ज़रूर कमेंट करना वीडियो में आज के,
ये मैं जान पूछ के वीडियोस बहुत शॉर्ट रख रहा हूँ, 10-12 मिनट के वीडियोस रख रहा हूँ। क्या ये आपको पसंद आ रहा है, या आप बहुत लंबे लंबे वीडियोस चाहते हो, आधे घंटे के, पौन घंटे के, एक घंटे के वीडियोस चाहते हो, और डिटेल में चाहते हो, या आप ये शॉर्ट में फटाफट वाले टेक्निक्स पे फोकस्ड एक दो एग्जांपल्स के साथ में जल्दी जल्दी फुल एनर्जी के साथ वीडियोस चाहते हो। मेरे हिसाब से मुझे लगा कि शॉर्ट वीडियोस चाहते हो, तो मैंने वो हिसाब से अभी तक बनाए हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है थम्स अप देना, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में डालो कि आपको इसी तरह से शॉर्ट वीडियोस, टू द पॉइंट वीडियोस चाहिए, तो मैं ऐसे ही आगे वीडियोस बनाते रहूंगा। ठीक है, तो क्विक रिकैप जल्दी से करते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विजुअलाइजेशन के चार स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप क्या है, इस बार नहीं भूलूंगा मैं, पहला स्टेप क्या है, क्लैरिटी। लिख लो आपको किस टाइप का इंसान चाहिए, आगे ये भी लिख लो कि उस इंसान को पाने के लिए आपको किस टाइप का इंसान बनना है, राइट। और उस लिस्ट को थोड़ा एक दूसरे के हिसाब से मैच कर लो। स्टेप टू, अपनी माइंड और बॉडी को रिलैक्स कर लो। स्टेप थ्री, अब मन में विजुलाइज करो, दिमाग आपका शांत है, आंखें बंद है, इमेजिन करो, विजुलाइज करो कि वो काम आपका ऑलरेडी हो गया, वो शादी आपकी ऑलरेडी हो गई, वो बिजनेस आपको ऑलरेडी मिल चुका, वो क्लाइंट आपको ऑलरेडी मिल चुका, या आपका एडमिशन हो गया, जो भी आपको चाहिए इमेजिन करो कि वह आपको मिल चुका है। और चौथा स्टेप, आंखें खोलने के बाद में जल्दी से थैंक यू बोलो खुद को, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलो खुद को, और अब इस बात के बारे में भूल जाना। ऐसे काम करो जिंदगी में जैसे ये काम आपका हो चुका है, राइट। सो दैट्स द विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसी टेक्निक को यूज करके मैंने पहली बार जिंदगी में अपनी लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट किया था, सोच के कि मुझे ये टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए। और उसके, यकीन मानिए, उसके बिल्कुल एक हफ्ते बाद में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया था पूना में, और वहां मुझे इंदु मिली। और उसको मिलने के कुछ ही दिनों बाद, कुछ एक आध हफ्ते के बाद भी हम लोगों का अफेयर शुरू हो गया था, रिलेशनशिप शुरू हो गया था, और उसके कुछ एक आध साल बाद हमारी शादी हो गई, राइट। तो ये है मेरा प्रूफ कि मैंने कैसे विजुअलाइजेशन को यूज किया, मुझे रिजल्ट्स मिले, बहुत सारे रिजल्ट्स मिले मेरी लाइफ में। माई लाइफ इज एब्सोल्युटली चेंज्ड। आपकी भी लाइफ बदल सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल जरूर करना, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल जरूर करना। कमेंट्स में एक दूसरे की मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, बता के आपने कैसे यूज किया और आपको कैसे रिजल्ट मिला। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, नहीं अच्छा लगा तो बताना क्या नहीं अच्छा लगा, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उसको सुधारने की। आई होप मेरी हिंदी ठीक ठाक है, क्योंकि मुझे ज्यादातर इंग्लिश में बात करने की ठीक आदत है। इस बारे में भी आपका कोई कमेंट है तो जरूर करना। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय। अगले फ्राइडे फिर बात करेंगे एक नए लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक के बारे में। ओके, बाय बाय।